स्वास्थ्य विभाग के मुखिया द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर दी गई व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुली जब एक पूर्व सैनिक और पत्रकार संक्रमण पॉजिटिव होकर अस्पताल में भर्ती हुए। किस तरीके की व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, क्या क्या लापरवाहियां थी, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देशन के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। स्वास्थ्य विभाग के मुखिया एके पांडे की ओर से कागजों में पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का हवाला दिया जाता है। मौखिक रूप से हर तरीके की व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, लेकिन धरातल पर क्या है, यहां मौजूद परिजन अपने को खोने के बाद सिर्फ यह कहते दिखाई दिए हैं कि अगर इस अस्पताल में अपने मरीजों को भर्ती न करते तो मेरा मरीज जीवित होता। अस्पताल में किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही दवाइयों की व्यवस्था है, न ही ऑक्सीजन की व्यवस्था है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ओर से उच्चाधिकारियों की रिपोर्ट इस तरीके की भेजी जाती है कि अस्पताल में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। यह मौजूद मृतकों के परिजनों ने अपनी व्यथा किस तरीके से बताई है, हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। जो एक पूर्व सैनिक और पत्रकार भी है, वह संक्रमण से पीड़ित होकर L2 में भर्ती किया गया तो उसके बाद उसे यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं मिली, आप जरा इस ऑडियो को गौर से सुनिए। तो सुना आपने स्वास्थ्य विभाग की मुखिया की ओर से किस तरीके की व्यवस्थाएं अस्पताल में की गई है, जिसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से सामने। योगी जी महाराज, मेरा नाम अनिरुद्ध दुबे, पत्रकार अनिरुद्ध दुबे, किसनी रहता हूँ जनरल मनपुरी में। मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, कल रात ही L2 में पहुँचा हूँ, मैनपुरी CMO, मैनपुरी चिकित्सालय। बाबा जी, यहाँ पर कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। मेरे सामने एक औरत बगैर ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गई, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आ रहा है, प्यास से गला सूख रहा है, कोई ये नहीं कहने वाला, आता ही नहीं कोई आदमी। ऐसे हम सब मर जाएंगे यहाँ पे, तड़प तड़प के मर जाएंगे, अंदर बाहर वाला कोई अंदर आता नहीं है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, हम अपनी बात किससे कहें, आपसे ही कह सकते हैं। महाराज मेरी मदद करो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। महाराज आप पहल करिए, मैनपुरी में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हम सब मर जाएंगे यहाँ पे। बाबा जी आप कुछ करिए, नहीं तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे यहाँ पे मैनपुरी में। कराया, तड़पती रही, बिल्कुल सही थी, 2:30 बजे में मिल के आया था। अब उसके बाद बोली कि हम जब पूछने गए, बोला हाँ सही है, अब वो बोल रहा है कि तो भाई हम 2 बजे खत्म हो गए। इतनी लापरवाही है सर, इन लोगों ने भी मम्मी को मार दिया था, हमारे पापा के लगे थे, अब तो और अब तो वलाला तो हमारे दिन बच्चे अकेले रह गए। कितने दिन से बीमार, कितने दिन से? 4-5 दिन से बुखार आया था। बुखार आने के बाद जब तबीयत खराब हुई तब रात में लेके आए? नहीं, दिन में लेके आए थे इमरजेंसी में, फिर इमरजेंसी में बोला ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं दी, कोई लापरवाही सर। फिर वहाँ पे ले गए सतीश के यहाँ पे, सतीश ने यहाँ पे भर्ती करवा दिया उनके कोई कोविड में।